दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर ने बताया कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा 7 अगस्त 2024 को त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 28 अगस्त 2024 तक 8 अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए थे। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय में दोपहर 3:30 बजे तक कुल 4 अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। दिनांक 29 अगस्त 2024 को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम वापसी दिनांक 31 अगस्त 2024 दोपहर 3 बजे तक शासन द्वारा निर्धारित की गई है। दिनांक 31 अगस्त 2024 को दोपहर 3 बजे पश्चात समस्त उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन किए जाएंगे। आज जो बीजेपी भाजपा प्रत्याशी के रूप में जो सुनीता इंद्र सिंह चौहान ने फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? फॉर्म सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुनीता जी ने फॉर्म भरा है और अब भारतीय जनता पार्टी आगामी एक दो दिन में उम्मीदवार की घोषणा करेगी और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये फॉर्म भरा है आज का। कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे हैं? 2 लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा है। कल एक फॉर्म भराया था, एक फॉर्म आज भराया है। अब दोनों में से भी भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी नियुक्त करेगी वो आज कल में घोषणा पार्टी कर देगी। अधिकृत प्रत्याशी अभी कोई भी नहीं? अभी पार्टी ने अभी कोई अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं।